हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप भी मेरी तरह हो और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप अपने फेस का ध्यान रख सको, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा फेस पैक मिले जो बस एक बार बना लो और स्टोर करके रख दो और उसे आप डेली अप्लाई कर सके अपने थोड़ा सा समय निकाल के, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। आप ये दोनों फेस पैक घर की चीज़ों से ही हम बनाएंगे, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे आपको आपके घर में इजीली मिल जाएगी। ये फेस पैक आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, या आपकी स्किन अनइवन है और आप सन टैन से बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन डल हो गई है, तो ये दोनों फेस पैक आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये दोनों फेस पैक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नींबू। नींबू हर किसी के घर में इजीली मिल जाता है, तो चलिए सबसे पहला फेस पैक बनाएंगे। उसके लिए आपको दो नींबू का रस ले लेना है, दो नींबू का जूस आपको ले लेना है। उसके बाद आपको ऐड करना है गुलाब जल। गुलाब जल आपको यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन का, 1 बड़े चम्मच आप ग्लिसरीन ऐड करिएगा इसमें, तभी आपको वो इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। और ये फेस पैक बस आप एक बार बना के स्टोर करके रख लीजिए और हफ्ते भर आप इसे लगा सकते हो। इस फेस पैक को बनाना तो इजी है ही, इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके भी रख सकते हो। इसे आपको फ्रिज में स्टोर करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फेस पैक आप नाइट टाइम में यूज़ करिएगा और ओवरनाइट आपको इसे अपने फेस पे लगा रहने देना है। ये आपके जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसे बस नाइट में अपना फेस क्लीन करके आपको स्प्रे कर लेना है पूरे फेस पे और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फेस पैक की तरफ। आपको नींबू ले लेना है और उसका, यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला नींबू लिया है, आप येलो वाला भी ले सकते हो। और उसका ग्रीन वाला पार्ट, या फिर आप येलो वाला ले रहे हो तो येलो वाला पार्ट ग्रेट कर लेना है। हमें नींबू का वाइट वाला पार्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लेमन जूस से प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से लेमन ले सकते हो। आपको विटामिन सी आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, आपके फेस को क्लीन करने में, आपके फेस के डार्क स्पॉट्स कम करने में। तो आप इस तरह से ग्रेट करके इसका ग्रीन वाला या येलो वाला पार्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है चावल का आटा। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच चावल का आटा लिया है और नींबू का जूस ले लेना है आपको। अगर आपके स्किन पे नींबू का जूस सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है शहद। शहद भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कच्चे दूध का। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए आपको ऐड करना है कच्चे दूध का। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप कच्चा दूध यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फेस पैक आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स, सन टैन और अनइवन स्किन टोन को भी सॉल्व करती है। इस प्रॉब्लम को भी आपके स्किन से धीरे धीरे आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है ये फेस पैक अप्लाई करने से, और डार्क स्पॉट्स भी कम होने लगते हैं। इस फेस पैक को आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखने लगेगी। इसे अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करते हैं तो ये दोनों फेस पैक बहुत ही अच्छे हैं, बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो प्लीज़ इन दोनों फेस पैक को ट्राई ज़रूर करिएगा।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप विटामिन सी फेशियल और विटामिन सी सीरम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।